नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंदवानी न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। देश की राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली के शहादरा इलाके में कल रात सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग में झुलसकर चार लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। मृतकों की पहचान मुन्नी देवी, नरेश, ओम प्रकाश, सुमन के तौर पर की गई है। वहीं घायल व्यक्ति जो कि 25% तक जल चुका है, उसकी पहचान लालचंद के रूप में की गई है। वहीं स्थानीय अस्पताल में उसको दाखिल कराया गया है, जहां पे उनका उपचार चल रहा है। वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली फायर सर्विस विभाग के डायरेक्टर अतुल गर्ग का कहना है कि घटना शहादरा के फर्श बाजार इलाके की है। जानकारी के मुताबिक घटना उस वक्त घटी जब घर में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और उससे आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। वहीं जल्द ही आग पर काबू पाया गया। धन्यवाद, ऐसी ही तमाम न्यूज सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इस खबर पे आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।